व्हाट इज बायो एथिक्स? एक टर्म्स यूज किया जाता है, बायो एथिक्स क्या है? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए काफी मायने रखते हैं, तो इन्हें जानना जरूरी होता है। आज हम चर्चा करेंगे सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनका अर्थ क्या है, जिसमें से पहला शब्द हमारे पास है बायो एथिक्स। अब जान लेते हैं बायो एथिक्स क्या है। तो यदि हम बात करें बायो एथिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत होगी कि बायो एथिक्स दो शब्द है। बायो एथिक्स यानी जैव, बायो का मतलब होता है जीव, एथिक्स का मतलब सही तरीका या नैतिकता, जो भी आप कह सकते हैं। प्रत्येक समाज अपने लिए एक आचरण का स्तर बनाता है, जिससे यह पता चलता है कि उस समाज के व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत है। ठीक उसी प्रकार जीव जगत में भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो आप देखिए कि इस चीज़ को, बायोएथिक्स को समझने के लिए इस लाइन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक समाज यानी हम जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी सोशल में रहते हैं, जो भी हमारा आचार व्यवहार है, वो सारी चीज़ें सोशल से रिलेटेड हैं। तो उसमें एक चीज़ पता चलता है, कुछ हमारे नियम कायदे कानून बनाए गए और जिसे हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो उन बिहेवियर के आधार पे हम उसे कहते हैं राइट, और उसी बिहेवियर के आधार पे हम कहते हैं कुछ गलत। जैसे समाज में कुछ इस तरीके का हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक बात उदाहरण में लेता हूँ कि किसी व्यक्ति को उसका सम्मान करना, उसकी चीज़ें जो भी हैं रेस्पेक्टेड वे रेस्पेक्ट करना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन है, जिसे हम कहते हैं सही है। और अगर यही ठीक इसके विपरीत होता है, कुछ उल्टा होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे बायो जगत में यानी बायो एनवायरमेंट में भी कुछ ऐसे होता है। अब देखिए वो क्या चीज़ होती है, उनको समझ लेते हैं। तो प्रत्येक जीव जंतु अपने व्यवहार के अनुसार ही जाना जाता है। जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जीव जंतुओं के व्यवहार को सही और गलत के आधार पर रखा जाता है, तो उसे बायो एथिक्स कहा जाता है। अब बायो एथिक्स आपने देखा, जैसे समाज में जो कुछ अच्छा है बुरा है उनका एक आधार बनाया गया, ठीक उसी प्रकार से ही प्रत्येक जीव जंतु अपने व्यवहार के अनुसार जाना जाता है, पहचाना जाता है। जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड्स में जीव जंतुओं के व्यवहार का सही गलत या एडवांट की बात हम करते हैं, तो उस आधार पर ये सभी प्रक्रियाएँ क्या कहलाती हैं, बायो एथिक्स कहलाती हैं। अब बायो एथिक्स के लिए ज़रूरी क्या है, वो चीज़ें जान लेते हैं। पांच चीज़ें हैं बायो एथिक्स के अंतर्गत जब इस वर्ड का यूज किया जाता है। पहला वर्ड आता है हमारा बिहेवियर, दूसरा आता है एक्टिविटीज, और तीसरा आता है राइट रॉन्ग, चौथा आता है हमारा एडवांटेज, एंड पांचवा आता है डिसएडवांटेज। यदि हम बात करें किसी जीव जंतु के लिए, चाहे बायो एथिक्स के लिए, तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि बायो एथिक्स में जीव जंतु का बिहेवियर, एक्टिविटी, राइट रॉन्ग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसे बायो एथिक्स कहा जाता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, इसकी टर्म्स को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बायो एथिक्स का, जहाँ भी टर्म्स यूज हो तो आप बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर दे सकते हैं। प्रत्येक जीव जंतु अपने व्यवहार के अनुसार ही जाना जाता है। जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जीव जंतुओं के व्यवहार को सही और गलत के आधार पर रखा जाता है, उसे बायो एथिक्स कहा जाता है। इसमें ज़रूरी है बिहेवियर, इसमें शामिल होता है बिहेवियर, एक्टिविटी, राइट रॉन्ग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये इसका सही और सटीक जवाब होता है। उम्मीद है कि आपको ये इसका बायो एथिक्स का टर्म्स और इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।